हे गाइस वेलकम बैक। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है कार्तिक त्यागी और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली डोज रिएक्शन। तो गाइस, मेरी ओर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग टाइगर। तो गाइस, जो बांग्लादेश की ये वीडियो है और इसमें बताया गया है कि जो नेक्स्ट राइजिंग टाइगर है बांग्लादेश, वो किस तरह से होने वाला है या क्या वहाँ के किस तरह की तरक्की हो रही है कि उसको नेक्स्ट राइजिंग टाइगर बोला जा रहा है। तो गाइस, वीडियो देखते हैं, वीडियो में पता चलेगा। और गाइस, ये जो वीडियो है गाइस, सजेस्ट की है हमारे एक बांग्लादेश के जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने सजेस्ट की है। तो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो। और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो बांग्लादेश की वीडियो है, मैं उस पर रिएक्ट कर चुका हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जो सिटी है उसको लेके मैंने रिएक्ट किया। और बांग्लादेश की कुछ एक कंपनी है जो थी वोल्टन ग्रुप के नाम से, उस पर रिएक्ट किया, जो काफ़ी बड़ी बांग्लादेश की कंपनी है। और उसमें कुछ जो व्यूअर्स थे हमारे, उन्होंने कमेंट में बताया कि जो वोल्टन कंपनी है, मैंने उसको बहुत काफ़ी बड़ी कंपनी मुझे लगी थी, लेकिन फिर भी जो व्यूअर्स थे उन्होंने कहा कि टॉप 10 जो बांग्लादेश की कंपनी है, वोल्टन का नाम उसमें नहीं आता। तो यार, मैंने इससे भी बड़ी बड़ी जो वोल्टन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनियाँ हैं। तो गाइस, देखते हैं वीडियो और जानेंगे बांग्लादेश के बारे में और काफ़ी ज़्यादा कुछ जो हमने नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता। तो गाइस, वीडियो जो है, वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। गाइस, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो। लेट्स प्ले। ग्रीनरी, जिसका स्टार्टिंग ही बांग्लादेश की स्टार्टिंग ही ग्रीनरी से। वाओ, टाइगर सबसे ज्यादा लेक और सबसे ज्यादा बीचेस, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बीच जो है वहाँ का, बांग्लादेश का। Land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities. हाँ, ये काफी ज्यादा जो फेमस फेस्टिवल है वहाँ का, बोट वाला ना, जिसमें मैं सोचता था कि ये बोट की रेस होती है, एक फेस्टिवल नहीं है, मैं इसको गेम सोचता था। Beautiful land can be found in the life and philosophy. ये शेख मुजीबुर रहमान, आई थिंक our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, almost 50 years ago he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, wow, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. ये जो है शेख हसीना जो है उनकी बेटी हैं। On education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For four consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. GDP तो मुझे पता है काफी ज्यादा ग्रो हो रही है, बूस्ट हो रही है काफी ज्यादा। 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost 41 billion US dollars export from 15 billion US dollars 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion US dollars in the fiscal year
2018-19, flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years. Investment काफी ज्यादा आ रही है. 3.6 billion US dollars. Private sector investment has simultaneously increased by 5-fold in the last 13 years, reaching almost 71 billion US dollars. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the fourth largest producer of rice, third largest producer of vegetables, and the fourth largest producer of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. 47% to 94% million digital centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Wow, yaar. Meanwhile, the number of rising सबसे ज़्यादा जो rise कर रहे हैं ना मतलब जिसमें भी ऐसा नहीं है कि grow कम हो रहा है सब में बढ़ रहा है. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. SDG. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Poddar River, Dhaka Metro Rail, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Bhutan. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth 40 billion US dollars and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to 5 billion US dollars by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. My God. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come,
Join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. बिल्कुल यार. तो गाइस यार वीडियो हो गई एंड यार वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली मुझे जान के और काफ़ी ज़्यादा मैं हैरान हुआ. और जैसा कि यार मैं हैरान इसलिए हुआ कि मुझे नहीं पता था कि राइस में भी जो बांग्लादेश है टॉप थ्री में आता है प्रोड्यूस करने में और एक्सपोर्ट करने में भी. और साथ ही साथ जैसा कि उसमें बताया कि टोमेटो वगैरह में भी टॉप फोर्थ पर रैंक करता है बांग्लादेश जो है. तो गाइज यार इसमें ये कहना गलत नहीं है कि जो नेक्स्ट राइजिंग टाइगर होने वाला है बांग्लादेश होने वाला है जैसा कि वीडियो में भी बताया था. और जैसा कि मैंने वीडियो पुरानी भी और वीडियो देखी थी इससे पहले जैसा कि वहाँ की कंपनी थी एक वॉल्टन ग्रुप उसके बारे में भी जाना था जिसमें कि उनके एक्सपोर्ट थे वर्ल्ड वाइड थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे. तो यार लेकिन वो वर्ल्ड वाइड भी अगर एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो जो थी कंपनी जो थी उसका इतना वो नहीं था कि वो टॉप 10 में हो बांग्लादेश की कंपनियों में वॉल्टन ग्रुप. मैं ये जान के हैरान था भाई ने कमेंट में बताया कि जो वॉल्टन कंपनी है वो टॉप 10 में नहीं आती. तो यार इसके जो 10 कंपनियों के टॉप 10 कंपनियां उनका एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा होगा और वो वर्ल्ड वाइड कितना एक्सपोर्ट करती होंगी ये सोच के मैं हैरान हूँ. और मैं देखूंगा उनके कंपनियों के बारे में कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी टॉप 10 में आती हैं. और बात करूँ यार गाइज अगर नेक्स्ट राइजिंग टाइगर के बारे में तो सही कहा उन्होंने कि नेक्स्ट राइजिंग टाइगर होने वाला है बांग्लादेश. और जैसा कि वहाँ का एक्सपोर्ट है वहाँ के जो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा आगे है टेक्सटाइल में. और जैसा कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस टाइम पे जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी इकोनॉमी थी पाकिस्तान की. लेकिन बांग्लादेश की वहाँ पे स्टार्टिंग थी तो इतनी इकोनॉमी नहीं थी. तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान जो है अब बहुत ज़्यादा नीचे है और बांग्लादेश एकदम से ऊपर हुआ और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों ने मेहनत की जिससे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी इस टाइम पे अभी इस टाइम पे को करंट में है 300 बिलियन के आसपास 300 बिलियन से कम ही भी वहाँ की इकोनॉमी है. लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है वो आई थिंक 400 बिलियन के आसपास वहाँ की इकोनॉमी है. तो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंज हुआ है और वहाँ की जो ग्रोथ रेट थी मैंने देखा लिटरेसी रेट जो था 49% वहाँ का 2011 के आसपास 49 के आसपास था परसेंट के आसपास. लेकिन अब जो लिटरेसी रेट है वहाँ का वो है 93 या 95 के आसपास. तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पे बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं. और बात करूँ यार वहाँ के जो मैंने सिटीज़ वगैरह भी देखी थी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी थी जैसा कि ढाका सिटी मैंने देखी थी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी. और ढाका सिटी में अब फिर एक जो ढाका मेट्रो बन गई है वो काफ़ी ज़्यादा अभी वहाँ पे वर्क चल रहा है. तो उन्होंने जैसा बताया कि ढाका मेट्रो वहाँ पे बन रही है. तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे जानकारी मिली काफ़ी ज़्यादा मुझे पता चला कि बांग्लादेश की जो बांग्लादेश में लिटरेसी रेट कितना बड़ा है बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट कितना बड़ा है और बांग्लादेश की जो वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं वहाँ बांग्लादेश के जो इन्वेस्टमेंट कितना आया है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कितना पहले कितना था और अब कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चल रहा है. तो मैं हैरान हूँ ये जान के कि बांग्लादेश जो है अब नेक्स्ट राइजिंग टाइगर होने वाला है. हैरान क्या मतलब खुशी भी है लेकिन हैरान इसलिए हूँ कि इतने कम टाइम में इतनी जल्दी बूस्ट करना यार काफ़ी ज़्यादा हैरान की बात होती है. और जो पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं कर पाया और शायद ना कर पाए. वाकई में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है. तो गाइस मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मुझे बांग्लादेश के इकोनॉमी के बारे में और बांग्लादेश के जो आने वाले फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली. तो गाइस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो बांग्लादेश है नेक्स्ट राइजिंग टाइगर कहलाए. और तो गाइस कैसी लगी यार वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. और गाइस पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे. तो गाइस करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक सेफ रहें. बाय बाय.